R9 टीवी की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर यूपी के महोबा जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड एक्सरे जल्द करवाने के नाम पर मरीजों से महिला दलाल के 150 रुपए प्रति व्यक्ति लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी खबर R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसी के बाद जिलाधिकारी महोबा ने R9 टीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश CMO महोबा को दिए। इतना ही नहीं, DM महोबा ने जांच रिपोर्ट 3 दिन में सौंपने के भी निर्देश दिए। DM ने बताया है कि ऐसा समाचार देखा था कि वहां पर कोई महिला पैसे ले रही थी, इसकी जांच करवाई जा रही है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं अगर इस प्रकार से कोई महिला पुरुष जिला अस्पताल में मरीजों से रुपए लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कल जितने भी लोगों का अल्ट्रासाउंड करवाया गया है, सभी के बयान लिए जाएंगे कि उनसे रुपए लिए गए हैं या फिर नहीं। व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे भेजा था कि वहाँ पे कोई महिला पैसा ले रही थी इस अल्ट्रासाउंड के लिए, ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था। उसको संज्ञान में लेते हुए मैंने CMO को उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया है कि वो उसकी जांच करें कि उसकी सच्चाई क्या है। और कल जितने लोग आए थे उसमें से जितने लोगों का संभव हो सके, जितने लोगों के अल्ट्रासाउंड हुए हैं, उनके बयान लें कि क्या उनसे किसी तरीके का कोई पैसा इसमें लिया गया या नहीं लिया गया।